इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान का बीज बनाया जाता है अपने खेतों में से अपने हाथों से। ये क्या होता है कि जब हम किसी मशीन का काटा हुआ धान उसमें से रख लेते हैं तो उसमें से अगली बार अलग भी उसमें डल जाता है और वो शेती नहीं आता है काटने के लिए, तो जो है क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसलिए आप जो बी रखना हो अभी अपने झोने के लिए तो यही आसान तरीका है। आप सबसे पहले अपने खेत में जो आपके एरिया में जो अच्छा झोना हो रहा है, झाड़ दे रहा है जो धान, तो उसको अपने हाथों से काटना है पहले, जैसे ये अभी काट रहे हैं। उसमें कोई ना कोई तो बूटा किसी और झोने का भी आ जाता है कोई ना कोई, तो उसको अपने बाहर निकाल देना है और बाद में एक पल्ली के ऊपर ड्रम को रख के उस पर झाड़ना है आपने थोड़ा सा ज़ोर से मार कर उसके, जैसे कई लोगों को तो पता ही होगा। तो उससे क्या होता है कि अच्छे अच्छे बीज जो होते हैं वो एक ही झोने के आपके पास दाने धान के रह जाते हैं, तो और अगली बार जब आपने उस झोने को लगाना है धान को लगाना है तो अच्छा बीज आपके पास हो जाता है और कोई भी अलग भी उसमें नहीं रलता है, मिक्स नहीं होता है, जिससे कि आपका फसल अच्छी होती है। और उसमें अलग और झोने के कोई भी बूटे वो नहीं होते हैं, इससे चारा अच्छा होता है। और बाद में आपने इनको सुखाना है छत पे एक महीने के लिए, जैसे पूरा सूख जाए वो हार्ड हो जाता है पूरा दाना, तो आपने पक्खा पुखा लगा कर उसको पोरी में भर के एक अंधेरे कमरे में रख देना है अगली बार कहीं यहाँ पर सैलाब ना हो और ना ही धूप जाए कोई वहाँ, तो अपने स्टोर इस तरह करके रखना है अगली बार के लिए आपने। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।